नाइन्थ से ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट स्कूल बंक करने लगे तो प्रिंसिपल साहब खुद उनके पीछे लग गए। बच्चे ड्रेस पहनकर सुबह घर से निकलते लेकिन स्कूल नहीं पहुंचते। लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्रिंसिपल ने जैसे तैसे पता किया तो चार की थड़ियों और गार्डन में बैठने की जानकारी मिली। इसके बाद क्या था, प्रिंसिपल साहब अपनी स्कूटी पर बच्चों की तलाश में शहर की गलियों में निकल पड़े। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रिंसिपल को देखते ही स्टूडेंट डर गए और बैग छोड़कर भागते दिख रहे हैं। ये नजारा आज सुबह भीलवाड़ा के राजेंद्र नगर मार्ग पर देखने को मिला। दरअसल शहर के राजेंद्र नगर मार्ग पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल के प्रिंसिपल श्याम लाल खटिक ने बताया कि स्कूल के पास नगौरी गेट में रहने वाले लोगों ने बच्चों की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि बच्चे चाय की थड़ियों पर बैठकर हल्ला करते हैं, दुकानों के बाहर आकर बैठ जाते हैं, स्कूल में भी स्टूडेंट रेगुलर नहीं आ रहे थे। इस पर खुद की बच्चों को पकड़ने का प्लान बनाया जिसमें प्रिंसिपल ने बताया कि आज सुबह खुद अपनी स्कूटी पर बच्चों को ठिकाने नौगौरी गेट पर पहुंचा। वहां अलग अलग दुकानों के बाहर बच्चे बैठे थे, चाय की थड़ी और गार्डन में भी बच्चे थे। एक जगह स्कूटी खड़ी कर पैदल ही गली गली में गया। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे, अचानक देखकर बैग छोड़कर ही भागने लगे। कुछ सड़क पर ही बैग छोड़कर भाग निकले। अलग अलग जगह पर बैठे स्टूडेंट की संख्या भी करीब 20 से ज़्यादा थी। इनमें 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा थे। प्रिंसिपल ने बताया कि मौके से 10 स्टूडेंट के बैग लेकर आया हूँ। प्रिंसिपल श्याम लाल नौगौरी गार्डन के पास गए तो आसपास रहने वाले और दुकानदार उनके पास आ गए। उन्होंने कहा कि हर दिन स्कूल के बच्चे मोहल्ले की दुकानों और थड़ियों पर आकर बैठ जाते हैं, हल्ला कर शरारत भी करते हैं, इससे परेशानी होती है। प्रिंसिपल श्याम लाल ने बताया कि बच्चों के माता पिता अंधेरे में रहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है। अब बच्चों के माता पिता को स्कूल में बुलाकर एक एक बच्चे के बारे में बताया जाएगा ताकि आगे से वह अपने स्तर पर भरपूरा ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।